हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। और अगर हमारा डाइजेशन सिस्टम सही हो तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है और चेहरे पर चमक बनी रहती है। तो आज मैं ऐसा हेल्दी जूस बनाना बताऊंगी जिसे हम हफ्ते में सिर्फ 3 दिन पीकर अपने लीवर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, जूस बनाने के लिए हमने ये 2 प्याज लिया है जो मीडियम साइज का है। इसमें काफ़ी मात्रा में सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन्स बी सी आदि होते हैं, तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो सबसे पहले मैं इसको छील लेती हूँ और फिर कट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने प्याज को छील लिया है और कट भी कर लिया। अब इसका स्लाइस काटूँगी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि प्याज बहुत ही उपयोगी होता है हमारे शरीर के लिए भी, और घर में मौजूद बैक्टीरिया को भी मारता है। इसमें एंटी एलर्जी, एंटी ऑक्सीडेंट आदि गुण पाए जाते हैं, तो हमारे हेल्थ के लिए प्याज बहुत ही बेनिफिशियल है। फ्रेंड्स, ऐसे ही मैं स्लाइस में इसको काट लूँगी, ये देखिए। तो अब हमने प्याज को काट लिया और इसको अब एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी मैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बाउल में रख लिया। अब मैं इसमें 1 ग्लास पानी डाल दूंगी, ये देखिए 1 ग्लास मैंने पानी डाल दिया। और इसको अब मैं बॉयल करूंगी, और बॉयल उतना ही करना है कि हमारा ये पानी आधा हो जाए पक के। इसको ढक के हमें पकाना है ताकि पानी बहुत जल्दी जले नहीं। अब मैंने लिया है ये 2 टमाटर, हमने 2 प्याज लिया था, 2 टमाटर भी हमें लेना है। बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा टमाटर होना चाहिए। तो इसका ऊपर का जो ये डंठल है, मैं इसको निकाल देती हूँ। फ्रेंड्स, टमाटर भी हमारे हेल्थ और स्किन दोनों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो आप इसके बेनिफिट्स भी जानते हैं कि कितना ज़्यादा हेल्दी टमाटर हमारे हेल्थ के लिए होता है, तो हमें टमाटर ज़रूर यूज करना चाहिए अपने। यह वज़न को घटाने में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है और स्किन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है, तो हमें ज़रूर यूज करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी ये बहुत कम करता है। हमारे डाइजेशन में भी टमाटर बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो ये देखिए, मैं ऐसे ही इसके पीसेस काट लेती हूँ। तो अब मैंने इसके पीसेस काट लिए और एक मिक्सर जार लूँगी, इसमें सारे कटे हुए पीस को मैं डाल दूँगी। अब मैंने लिया है ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा है। फ्रेंड्स, ये भी अदरक भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अदरक में बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने की अद्भुत क्षमता होती है। अगर जो हम इसका रेगुलर यूज करें, रेगुलर इस्तेमाल करें, तो हमारे गले में जो इन्फेक्शन वगैरह होता है उसमें बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होता है। अदरक डाइजेशन में भी बहुत हेल्प करता है, ये कैंसर के खतरे को भी कम कर देता है। तो अदरक भी हमें रेगुलर इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब मैंने अदरक को अच्छे से साफ कर लिया। अब इसको मैं ग्रेट कर लूँगी। तो यहाँ मैं इसको ऐसे ग्रेट कर लेती हूँ। तो यहाँ अदरक को हमने बारीक ग्रेट कर लिया। अब इसी में मैं इसको ऐड कर दूंगी टमाटर में। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसमें 2 से 3 चम्मच पानी ऐड कर दूंगी और इसको एकदम बारीक फाइन पेस्ट पीस लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने एकदम बारीक पीस लिया है, ये देखिए कितना एकदम फाइन पीसी हूँ मैं। अब मैं इसको 1 कप में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने 1 कप ले लिया और इसमें सारा ये पेस्ट ट्रांसफ़र कर लेना है। तो अब हमने जो प्याज रखा था उबलने के लिए, उसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये भी उबल गया है प्याज अच्छे से, पानी भी आधा हो चुका है। तो अब इसको हम ये गरम गरम ही इसमें छान देंगे। तो एक छन्नी की हेल्प से इसमें पानी का, जो प्याज का पानी है, इसको ऐड कर देना है। तो ये देखिए, मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया प्याज का। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, जो प्याज का पानी है और टमाटर का जो हमने पेस्ट बनाया था। अब मैं इसमें डालूंगी ये नींबू, आधा मैंने लिया है, इसका जूस मैं इसमें ऐड करूंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने ये नींबू का जूस निकाल लिया है और इसमें आप देख पा रहे हैं कि बीज वगैरह सब है। तो इसको भी मैं एक छन्नी की हेल्प से छान के और इसका जूस इसमें ऐड कर दूंगी और इसको फिर एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, ये ड्रिंक बहुत ही फ़ायदेमंद है। हमें हफ्ते में 3 दिन सुबह खाली पेट इसे अगर जो यूज करें तो हमारे हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदा करता है। ये लीवर से रिलेटेड सारी बीमारियों को दूर करता है और हमें स्वस्थ बनाए रखता है।
इस ड्रिंक को हफ्ते में 3 दिन सुबह खाली पेट लेने से हमारी भूख भी बढ़ती है, हम हेल्दी भी रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जूस बहुत ही बेनिफिट है हमारे हेल्थ के लिए। तो अगर जो मेरी ये जूस वाली रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।